अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं मीनार पाकिस्तान की तामीर में कितना वक्त लगा? पाकिस्तान का माली साल कब शुरू होता है? कौन सा गुलाम बादशाह लाहौर में दफन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टडीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो पाकिस्तान में होने वाले तमाम तरह रिटन टेस्ट में जरूर पूछे जाते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा। ये 20 क्वेश्चन आपके लिए सोशल मीडिया या पबजी पर टाइम वेस्ट करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होंगे। इस वीडियो के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पाकिस्तान स्टडी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में आप करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व। बेहतर लर्निंग के लिए हेडफोन या हैंड फ्री का इस्तेमाल करें। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन पाकिस्तान वर हेल्ड अंडर विच प्रेसिडेंट? पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात किस सदर के तहत हुए थे? याया खान, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान, वसीम सज्जाद। जवाब है याया खान। ये पॉइंट भी नोट करते चलें, पाकिस्तान में फर्स्ट जनरल इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 को हुए थे। विच इज द लार्जेस्ट डिवीजन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है? कलाट डिवीजन, लाहौर डिवीजन, मलाकंड डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन। जवाब है कलाट डिवीजन। हु वाज द फर्स्ट नॉन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का पहला वजीर खजाना कौन था? आई चंडीगढ़, मलिक गुलाम मोहम्मद, लियाकत अली खान, मोहम्मद अली। जवाब है मलिक गुलाम मोहम्मद। हु कंस्ट्रक्टेड जीटी रोड? जीटी रोड किसने तामीर किया था? फेरोज तुगलुक, टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी या फिर अमीर करोर। जवाब है शेरशाह सूरी। जीटी रोड के मुतालिक कुछ अहम पॉइंट भी नोट करते चलें। जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था और शेरशाह सूरी का असल नाम था फरीद खान। क्या आप जानते हैं जीटी रोड का क्या मतलब है? जानेंगे आगे इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखें तो लाइक करके जरूर बताइएगा। विच स्लेव किंग इज बरीड इन लाहौर? कौन सा गुलाम बादशाह लाहौर में दफन है? गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर अकबर। जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। विच इज द सेकंड हाईएस्ट अवार्ड आफ्टर निशान हैदर? निशान हैदर के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड कौन सा है? अहम सवाल है, नोट फरमा लें। ऑप्शन है हिलाल जुर्रत, निशान हैदर, सितारा जुर्रत, सितारा इम्तियाज। जवाब है हिलाल जुर्रत। इन विच ईयर क्वीन एलिजाबेथ टू विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? मलका एलिजाबेथ दोम ने किस साल पहली बार पाकिस्तान का दौरा किया है? 1960, 1961, 1962 या फिर 1963 में। जवाब है 1961 में मलका एलिजाबेथ दोम ने पाकिस्तान का पहली बार दौरा किया और 1997 में उन्होंने पाकिस्तान का आखिरी दौरा किया। ये पॉइंट भी नोट फरमा लें। पाकिस्तान फर्स्ट जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन वाज? पाकिस्तान ने सबसे पहले किस तंजीम में शमूलियत इख्तियार की? UN, ILO, OIC या फिर SAARC। जवाब है UN। UN यानी यूनाइटेड नेशंस। परवेज मुशर्रफ रिजाइंड एज आर्मी चीफ इन द ईयर? परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ के ओहदे से किस साल इस्तीफा दिया? 2005, 2007, 2009 या फिर 2011। जवाब है 2007 में परवेज मुशर्रफ ने आर्मी चीफ के ओहदे से इस्तीफा दिया। परवेज मुशर्रफ के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स भी नोट करते चलें, जो सवाल पेपर में पूछे जा सकते हैं। परवेज मुशर्रफ 11 अगस्त 1943 को दिल्ली में पैदा हुए। 1998 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाला। 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के 10वें सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2010 में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी शुरू की जिसका नाम था आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, APML, और 5 फरवरी 2023 को इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 79 ईयर्स थी और उन्हें कराची में दफनाया गया। ये भी अहम पॉइंट्स हैं, इनको भी नोट फरमा लें। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू बिल्ड द मीनार ए पाकिस्तान? मीनार ए पाकिस्तान की तामीर में कितना वक्त लगा? 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 9 ईयर्स। जवाब है 8 ईयर्स। मीनार ए पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स। मीनार ए पाकिस्तान लाहौर में है जो कि 1960 से 1968 के दौरान तामीर किया गया और जिस आर्किटेक्ट ने मीनार ए पाकिस्तान बनाया उनका नाम था नसीरुद्दीन मुरद खान। मीनार ए पाकिस्तान करारदाद पाकिस्तान की याद में बनाया गया जो कि 23 मार्च 1940 को मंजूर हुई थी। वेर इज राकापोशी ग्लेशियर लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान? राकापोशी ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में कहाँ वाकया है? ग्लेशियर यानी कि बर्फ के पहाड़। ऑप्शन हैं अस्तोर, नगर, हुंजा, द्यामीर। जवाब है नगर। विच इज द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान की कदीम तरीन बंदरगाह कौन सी है? ये भी अहम सवाल है, इसे भी नोट फरमा लें। ऑप्शन हैं कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम, गवादर, पसनी। जवाब है पोर्ट कासिम। सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सियाचिन ग्लेशियर किस जिले में वाकया है? गिलगित, अस्करदू, घांची या फिर अस्तोर। जवाब है घांची। विच ग्लेशियर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का दूसरा बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन, बटूरा, बीफो या फिर हैस्पर। जवाब है बटूरा। और पाकिस्तान का पहला बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन।
रेकोडिक माइन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलोचिस्तान? रेकोडिक कान बलोचिस्तान के किस जिले में वाक्य है? चागी, लसबेला, जाफराबाद, ज्यारत। जवाब है चागी। When Pakistan's fiscal year starts, पाकिस्तान का माली साल कब शुरू होता है? 1st January, 1st February, 1st July, 1st September। जवाब है 1st July। GT stands for what? GT का मतलब क्या है? Grand Transit Road, Grand Turkish Road, Grand Trunk Road या फिर Grand Trade Road? जवाब है Grand Trunk Road। When Allama Iqbal was born? Allama Iqbal की पैदाइश कब हुई? 8th November 1877, 9th नवंबर, 10th नवंबर या फिर 11th नवंबर? जवाब है 9th नवंबर 1877। Who elects Chief Minister of Province? सूबे का वजीर आला कौन मुंतखब करता है? MP, MNS, MPS, Senators? जवाब है MPS। MP, MNA या फिर MPA का क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। MP यानी के Member of Parliament, MNA यानी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और MPA का मतलब होता है मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। कारगिल वॉर वाज फाउट इन विच ईयर? कारगिल की जंग किस साल लड़ी गई? 1994 में, 1997, 1999 या फिर 2001 में? जवाब है 1999 में कारगिल की जंग लड़ी गई। अब स्टार्ट होता है हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं के MCQs को करना है आपने सॉल्व। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपने 20 में से कितने मार्क्स लिए। विश यू गुड लक, लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।